एम क्रीम, जिसको डायरेक्ट किया है बेहद यंग और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अग्नेय सिंह ने। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में हुई है। We're not so different, you and I. You drunk already? No. Maybe a little. It's our annual moon rave tonight. Moon rave? What's that? Hi, my name's Jayashree Bose. That's Viggs. We heard through a friend that you were in the area and about what's going on here, and we thought we could, well, volunteer. हमारे साथ इस वक्त इस फिल्म के वेरी यंग और वेरी एनर्जेटिक राइटर और डायरेक्टर अग्नेय सिंह मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इस फिल्म के बारे में। अग्नेय सिंह, डीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या है इस फिल्म में खास। तो यह फिल्म एम क्रीम में हमने आज के युवा पीढ़ी को दिखाया है और चार विद्यार्थियों के माध्यम से हमने बदलाव की मानसिकता और चाह को समझने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो इस फिल्म में चार भिन्न सोच के राही अपनी मंजिल के तलाश में एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं हिमाचल की तरफ, और उनका गोल है एम क्रीम, जो एक विलेज है हिमाचल में मलाना, तो उसका चरस का मिथिकल फॉर्म है। और जैसे जैसे उनकी यात्रा अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ती है, तो उन्हें जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव देती है। You drunk already? No. Maybe a little. It's our annual moon rave tonight. Moon rave? What's that? बॉलीवुड से थोड़ा हट के जो कहानी है, यहाँ एक सफर की कहानी है। यहाँ कोई मतलब प्लॉट सब प्लॉट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक सफ़र है जहाँ हम जवान बच्चों को देख रहे हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, उनकी आइडियलिज्म क्या है। और बेशक यहाँ ड्रग्स दिखाया कि जैसे मैंने कहा अंदर के दिखाया कि ये जा रहे हैं ड्रग्स को ढूंढने पहाड़ों में, पर उनका क्या सफ़र है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रग से ज़्यादा ज़रूरी जो फिल्म में निकलता है, जो दिखाई देता है, वो है कि उनकी जो आइडियलिज्म है कहाँ ले जाती है। That's Viggs. We heard through a friend that you were in the area and about what's going on here, and we thought we could, well, volunteer.